ये एचपी का पीसी है, एचपी RP5800 इसका मॉडल नंबर है। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये पावर केबल इसकी प्लग इन करते हैं, बिस्मिल्लाह, ये पावर केबल प्लग इन की है तो ये पावर वाला बटन पुश करते हैं, बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये बटन पुश किया, ये लाइट ऑन हुई है हार्ड की, ठीक है, उसके बाद ये ऑन की लाइट ऑन हुई है, इसका फ़ैन थोड़ा सा ऑन हुआ है, साथ ही ऑफ हो गया, ठीक है, और ये लाइट स्टिल ऑन है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर इसका डिस्प्ले शो नहीं हो रहा। कुछ देर बाद ये लाइट भी ऑफ हो जाती है, ठीक है, जैसे ये इसका फ़ैन वगैरह ऑफ होना है, ये लाइट भी ऑन ऑफ हो जानी है, तो यही इशू आ रहा है। चलिए चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, दोस्तों अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये एचपी का पीसी है, एचपी RP5800 इसका मॉडल नंबर है। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये पावर केबल इसकी प्लग इन करते हैं, बिस्मिल्लाह, ये पावर केबल प्लग इन की है तो ये पावर वाला बटन पुश करते हैं, बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये बटन पुश किया, ये लाइट ऑन हुई है हार्ड की, ठीक है, उसके बाद ये ऑन की लाइट ऑन हुई है, इसका फ़ैन थोड़ा सा ऑन हुआ है, साथ ही ऑफ हो गया, ठीक है, और ये लाइट स्टिल ऑन है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर इसका डिस्प्ले शो नहीं हो रहा। कुछ देर बाद ये लाइट भी ऑफ हो जाती है, ठीक है, जैसे ये इसका फ़ैन वगैरह ऑफ होना है, ये लाइट भी ऑन ऑफ हो जानी है, तो यही इशू आ रहा है। चलिए चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाह, ये इसका कवर ओपन किया हमने, चेक कर रहे हैं, डिस्प्ले का फ़ैन ऑफ है, ये हम पावर वाला बटन पुश करते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ही डेड कंडीशन अभी आ रही है, सिर्फ पावर केबल आ रही है, तो ये केबल हमने उतारी है इसकी, बिस्मिल्लाह, इसको ओपन कर लेंगे। ये रैम्स इसकी दोनों उतार लेंगे हम, ठीक है, और इसका ये सीमोस है लगा हुआ, ये सीमोस भी उतार लेंगे, बिस्मिल्लाह, ये सीमोस भी उतर गया इसका। अभी इसके ये स्लॉट्स के अंदर से जो मट्टी वगैरह आई हुई है, ठीक है, ये सफाई कर लेंगे थोड़ी सी, बिस्मिल्लाह। अभी रैम चेक कर लेंगे इसके, जो बिल्कुल ओके है, ये कार्बन आया हुआ है इसको थोड़ा सा, ठीक है, चेक कर रहे हैं, थोड़ा सा कार्बन है इसको, तो डिस्प्ले वाले देख लेंगे, इसको भी कार्बन है, इनको पहले रबर से जो है ना रेजर से हम साफ़ कर लेंगे थोड़ा सा। बिस्मिल्लाह, लें जी, ये रेज़र से साफ़ कर लिए, ठीक है, चेक कर रहे हैं, अभी बिल्कुल क्लियर है, पहले इसके अंदर कार्बन आ रहा था थोड़ा सा, तो अभी इसको ये डिम वन में लगाएंगे, डिम वन आपने चेक कर लेनी है कौन सी वाली है, ठीक है, तो डिम वन इसकी बन रही है ये वाली, पहली वाली ब्लैक वाली, बिस्मिल्लाह, लगाते हैं इसको, अच्छी ये लग गई है, अभी ये पावर केबल प्लग इन की है हमने, बिस्मिल्लाह, तो ये ऑटो ऑन हुआ है, चेक कर रहे हैं, दोनों लाइट्स इसकी ऑन है, एक ऑफ हो गई है, और ये पीछे से बैक से इसका फ़ैन भी ऑफ हो गया है, ठीक है, सीमोस इसका उतारा हुआ है हमने, हो सकता है कि उसकी वजह से भी ये ऑफ होता हो, दोबारा से इसको ऑन करते हैं, लेकिन ऑन नहीं हो रहा, सेम कंडीशन है फिलहाल। बिस्मिल्लाह, इसको ये पावर केबल उतार के ये भी इसकी उतार लेंगे पोर्ट, बिस्मिल्लाह, पोर्ट ऊपर उतर गई है इसकी, अब पावर केबल प्लग इन करते हैं, ये ऑटो ऑन हुआ है, ये दोबारा से ऑफ हो गया, सिर्फ हार्ड की लाइट ऑन है, बिस्मिल्लाह। अभी ये इसकी पावर सप्लाई पहले वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है, पावर सप्लाई उतार के दूसरी लगाएंगे, बिस्मिल्लाह,
बिस्मिल्लाह, ये पावर सप्लाई हमने चेंज की है इसकी, ये पावर केबल प्लग इन की है, ये टर्निंग ऑन हुआ है, सेम कंडीशन, फिर ऑफ हो गया, ठीक है। तो अभी इसका प्रोसेसर वेरीफाई कर लेंगे पहले। बिस्मिल्लाह, लीची ये प्रोसेसर काफ़ी गंदा हुआ, कार्बन है इसके अंदर, तो इसको सफाई कर लेंगे पहले इसकी, ठीक है, चेक कर लें, इसकी सफाई कर लेंगे पहले, कार्बन ख़त्म कर लेंगे, रेजर से इसको जो है ना साफ़ कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, लीची ये प्रोसेसर साफ़ किया इसका, ठीक है, कार्बन वगैरह दूर हो गया, तो अभी इसको फिट करेंगे। बिस्मिल्लाह, ये लगाया इसको, तो ये पावर केबल प्लग इन की है। बिस्मिल्लाह, फैन ऑन हुआ इसका, प्रोसेसर भी थोड़ा सा हीट हो रहा है, लेकिन ये ऑफ हो गया दोबारा से, ठीक है। अभी फ्रंट पे वही लाइट ऑन है इसकी, दोबारा से ऑन नहीं हो रहा, सेम कंडीशन है इसका। प्रोसेसर अब चेंज करके चेक कर लेंगे, दूसरा लगा के चेक कर लेंगे। बीप की आवाज़ देखी आपने, दोबारा इसको लगाते हैं ज़रा। ऑफ हो गया, सेम कंडीशन, अभी रैम इसकी दूसरी लगा के चेक कर लेंगे एक दफ़ा। बिस्मिल्लाह, अच्छी ऑन हुआ, लाइट्स ऑन हुई हैं दोनों, फिर ऑफ हो गया, सेम कंडीशन ही है, तो इसका प्रोसेसर आप चेंज करके चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाह लीजिए, ये दूसरा प्रोसेसर लगाते हैं इसको, ये i5 सेकंड जनरेशन है, पहले इसका i3 थर्ड सेकंड लगा हुआ था, तो अभी बिस्मिल्लाह, अच्छी i5 सेकंड लगाया, ये वेरीफाई कर लेंगे अभी। इसी तरह सेम कंडीशन, ऑफ हो गया, तो प्रॉब्लम इसका मदरबोर्ड का ही है, ठीक है, तो ये मदरबोर्ड आप बाहर निकाल लेंगे हम और चेक कर लेंगे प्रॉब्लम क्या आ रही है इसको। बिस्मिल्लाह, ये इसका पावर वाला बटन है, ये निकाल लेंगे, कई दफ़ा ये होता है कि पहले पावर वाला बटन भी शॉर्ट होता है इसका, ये भी पावर केबल लगाते हैं इसको, ये पावर वाले बटन की अब लाइट वगैरह ऑन नहीं हो रही, ठीक है, बटन भी कई दफ़ा शॉर्ट होता है, तो ये टर्निंग ऑन है, प्रोसेसर गर्म हो रहा है, अच्छा ये ऑफ हो गया, ये दोबारा से ऑन हो गया, ठीक है, पहले दोबारा से ऑन नहीं था होता, बंद हो जाता था कंप्लीट, बटन मुझे लग रहा है कि शॉर्ट है। अभी डिस्प्ले इसका चेक कर लेते हैं, आता है या नहीं, अच्छा डिस्प्ले भी इसका आ गया, ठीक है, तो ये पावर वाला बटन इसका शॉर्ट लग रहा है मुझे, तो ये पावर वाला बटन लगा के इसको वेरीफाई कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, अच्छा पावर वाला बटन जैक उतारा, ये पावर केबल लगाई है हमने। बिस्मिल्लाह, ये टर्निंग ऑन करते हैं, टर्निंग ऑन हुआ है, ये ऑफ हो गया, ठीक है, तो ये बटन का भी इशू है इसको, ठीक है, ये ऑफ कर देता बटन इसको, तो इसका बटन जो है ना रिपेयर कर लेंगे, बाकी बिल्कुल ओके है, ठीक है, ये बटन उतार के हम इसकी जो है ना वो मुकम्मल सेटिंग वगैरह कर लेते हैं, फिर बटन इसका चेंज कर लेंगे। बिस्मिल्लाह जी, ये उतार लिया बटन इसका, ये बटन जो है ना जब पुश करते हैं तो ये पीछे ही रह जाता है, ठीक है, तो ये मिट्टी वगैरह को कार्बन वगैरह इसके अंदर आया हुआ है, ठीक है, तो इसको जो है ना वो कर लेंगे एक्सचेंज, देखेंगे पहले अगर ये चलता है तो WD-40 वगैरह लगा लेंगे, अगर तो वैसे चलेगा काम तो वैलेंट को फिर चेंज कर लेंगे। जी ये बटन इसका ठीक हो गया, ठीक है, ये मिट्टी वगैरह आई थी इसके अंदर, तो ये WD-40 वगैरह हमने इसके लगवाई है, तो अब ये बिल्कुल ओके क्लिक कर रहा है, ठीक है, अब इसको पैक कर लेंगे ज़रा। बिस्मिल्लाह जी, ये कंप्लीट पैक हो गया, ठीक है, ये इसका डिस्प्ले वगैरह भी आ रहा है, बिल्कुल ओके हो गया, ठीक है, बटन का भी इशू क्लियर हो गया,
आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।